टू मेक नीडेड इरेजर एट होम। यस गाइस, आज वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग सिर्फ 5 रुपीज खर्च करके नीडेड इरेजर बनाऊंगी होम पे। ओके, यहाँ पे मैं 3 टाइप्स दिखाऊंगी किस तरह से आप लोग ये बना सकती हो। इसलिए गाइस, पहले तो यहाँ पे 2 टाइप की मैंने सेलो टेप ले लिया एंड यहाँ पे मैं अप्सरा ब्रांड के 2 टाइप की इरेजर यूज कर रही हूँ। तो 5 रुपीज की है, तो इस तरह से ले लेना। एंड गाइस, नॉर्मल जो सेलो टेप है वो देखकर दिखा रहा हूँ एंड आप लोग इस तरह से कर लेना, अच्छे से रगड़ के इरेजर एंड ग्लू को मिक्स कर लेना। ओके गाइस, यहाँ पे हो गई। यहाँ पे मैं इस तरह की सेलो टेप यूज कर रही हूँ जो मार्केट पे अवेलेबल है एंड यहाँ पे ज़्यादा ग्लू रहती है, तो यहाँ पे भी सेम टेप कर लेना। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो लेकर हाजिर होती हूँ, इसलिए गाइस सब्सक्राइब कर देना। ओके, यहाँ पे हम लोगों की इरेजर बन के रेडी हो गई, आप लोगों को देख रहे हैं। यहाँ पे 2 तरह की मैंने दिखाया, दोनों सेलो टेप की। ओके, दोनों की डिफरेंस देखिए आप लोग। जो नॉर्मल सेलो टेप है हम लोग ज़्यादा यूज करती हूँ, तो उसकी देखो एंड येलो कलर की देखो, क्योंकि मैंने पहले भी बोल के रखी थी कि येलो पे ज़्यादा ग्लू है, व्हाइट से ज़्यादा। ओके, एंड इसकी टेक्सचर देखिए कैसे है एंड इसकी टेक्सचर देखिए कैसे है, एंड दोनों से भी सॉफ्टनेस भी ज़्यादा येलो पे है, व्हाइट पे ज़्यादा रफनेस है बट येलो ज़्यादा स्मूथ है। मैं चाहती हूँ आप लोग दोनों टाइप की बनाइए एंड बनकर देखिए कौन ज़्यादा अच्छी है, कौन की ज़्यादा टेक्सचर अच्छी आ रही है। ओके गाइस, यहाँ पे ये वाला इरेजर यूज करने वाली हूँ, कलर इरेजर एंड इसको इस तरह से स्विच पेपर के ऊपर रब कर लेना एंड अच्छे से हो जाने के बाद 1 ड्रॉप कोकोनट ऑयल लिया मैंने यहाँ पे एंड इसको देकर बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना, बहुत ही अच्छे से करना। ओके, मिक्स होने के बाद आप लोगों को दिख रही है इसकी स्ट्रक्चर सेम टू सेम मार्केट पे अवेलेबल इरेजर के जैसा। ओके, टाइम हो गई ये कैसे काम कर रही है इसकी एग्जाम लेने की। ओके गाइस, यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ कैमलिन ब्रांड की सॉप चार्कल है एंड इसको ब्लेंड कर लिया एंड पहले वाला देखो कितनी अच्छी हो रही है, मार्केट पे अवेलेबल नीडेड इरेजर की जैसी काम कर रही है। बट ये सच भी है, क्यों वो ज़्यादा इतनी महंगी होती है, उसके भी काम है वो एंड ये सेम नहीं काम करती है, बट थोड़ा डिफरेंस है बट ये चल जाएगा। मैं यहाँ पे डेमो दिखा रहा हूँ आप लोगों ने, देखो ये चलेगा बट उसकी प्राइस हिसाब से ज़्यादा महंगी नहीं है, आप लोग आराम से इसको घर पर बना सकती हो एंड यूज कर सकती हो। यहाँ पे जितनी तरह की डेमो दिखा सकती हूँ मैं दिखा रहा हूँ, पहले तो मैं चारकोल के ऊपर दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं ग्राफाइट के ऊपर भी दिखाऊंगी। तो देखो कितनी अच्छी से हो रही है, इरेज कर रही है, तो आप चाहे तो इसको यूज कर सकती हो। ओके, चलो देखती हूँ हम लोग कैसे काम करती है ग्राफाइट के ऊपर, चारकल के ऊपर बहुत ही अच्छी काम किया। ओके, तो यहाँ पे सेम तरीके से मैं दिखा रहा हूँ आप लोग, देखो बहुत अच्छे से हो रही है एंड पहले जो बोला था ये मार्केट से जैसा काम नहीं करेंगे बट थोड़ा डिफरेंस काम कर रही है, वो ज़्यादा अच्छी होती है, ये थोड़ा लो क्वालिटी की काम हो रही है बट ये चल जाएगा। ओके गाइज, आई होप आज का वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, तो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वाला वीडियो में लाइक भी कर देना। ओके गाइज, फिर मिलते हैं एक नए वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।